हे डी फैम, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे स्पिनच पेस्टो पास्ता। बेसिकली हम वाइट और रेड सॉस की जगह पे ग्रीन सॉस में पास्ता बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 कप पानी लिया है, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल। और अब पास्ता डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप एल्बो पास्ता लिया है और अब इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। ग्रीन सॉस बनाने के लिए 1 कप पालक लिया है मैंने, उसकी हम प्यूरी बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़े से लहसुन, प्याज और शिमला मिर्च को स्टर फ्राई कर लिया है। ग्रीन सॉस का टेस्ट इन्हांस करने के लिए आज हम व्हाइट सॉस और स्पिनच प्यूरी के फ्यूजन से हमारा ग्रीन सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे सेम पैन में 1.5 चम्मच इतना ऑयल लिया है, उसमें मैं 1.5 चम्मच आटा डालूंगी। मैंने यहाँ पर आटा लिया है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। और अगर आपको व्हाइट सॉस बनाने में या फिर पास्ता कुक करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरा व्हाइट सॉस पास्ता का वीडियो देख सकते हैं। मैंने आई बटन में उसकी लिंक दे दी है और डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। और आटा अच्छे से भुनने के बाद अब हम इसमें दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें दूध डालना है। एकदम से अगर हम पूरा दूध डाल देंगे तो उसमें लम्स बन जाएंगे। और व्हाइट सॉस बनाते वक्त हमें इसे कंटिन्यूसली ऐसे ही स्टर करते रहना। 1-2 मिनट ही लगते हैं इसे बनने में, तो उतनी देर के लिए आप इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए। मेरे पास यहाँ पे एल्बो पास्ता अवेलेबल था, इसलिए मैंने एल्बो पास्ता ही लिया है। आपके पास जो भी शेप अवेलेबल है, पेने पास्ता, स्पायरल पास्ता, स्पैगेटी पास्ता, जो भी आपके पास है आप उसे ही ले लें। और व्हाइट सॉस जो है हमारा इस कंसिस्टेंसी में आने के बाद अब हम इसमें थोड़े से मसाले डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लिए है, लाल मिर्च को कूट लिया है सिंपली, 1 चम्मच ऑरेगानो लिए है, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिए, 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और 1 चम्मच नमक लिया है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सॉस में। ऑरेगानो की जगह पे आपके पास अगर इटालियन सीजनिंग होंगी, नहीं तो पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग होगी, तो आप वो भी डाल सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 चीज़ क्यूब लिया है, वो भी ऑप्शनल है, मेरे घर पर था इसलिए मैंने डाल दिया। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और नहीं है चीज़ तो कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। हमने जो व्हाइट सॉस पास्ता बनाया था वो विदाउट चीज़ ही बनाया था, लेकिन उसके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए थे। तो अगर आपके पास चीज़ नहीं भी है तो भी आप इसे बनाइए, बहुत अच्छा लगता है, चीज़ का इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब हम इसमें डालेंगे हमारी पालक की प्यूरी। 1 कप पालक को मैंने पीस लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। और अब हम इन दोनों सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पालक की प्यूरी को 2 मिनट के लिए पका लेंगे। मैंने सूजी का बना हुआ पास्ता लिया है। मैं जब भी पास्ता या फिर मैगी लेती हूँ तो उस पर देखती हूँ इंग्रेडिएंट्स पहले कि किससे बना हुआ है। वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमें पास्ता को एकदम हेल्दी वे में बनाना है। और अगर आपको नहीं पसंद सूजी का या फिर आटे का, तो आप मैदे का भी ले सकते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, मतलब नूडल्स या फिर मैगी, पास्ता, सब कुछ आटे या सूजी का मिल जाता है। आपकी चॉइस है, आपको जो पसंद है आप वो ले लीजिए। और यहाँ पे हमारा ग्रीन सॉस रेडी है। अब हम उसमें डालेंगे हमारी स्टर फ्राई की हुई वेजीज। वेजीज को स्टर फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा पैन में ऑयल लिया है 1 चम्मच। उसमें सबसे पहले मैंने गार्लिक डाला, उसके बाद अनियन और उसके बाद शिमला मिर्च। इनको अच्छे से स्टर फ्राई कर लिया 2-3 मिनट के लिए और बस निकाल लिया। ओवर कुक भी नहीं करना है, आपको याद है ना। वेजीज अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हम उसमें हमारा बॉइल्ड पास्ता डालेंगे। अब हम पास्ता को भी अच्छे से सॉस में मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। यहाँ पे हमारा एकदम हेल्दी पालक का पास्ता रेडी है। वेट वॉचर्स के लिए भी ये बहुत ऑसम है, आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी चेंजेस करके अपने लिए बना सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे भी समझना चाहिए आपको रेसिपीज अच्छी लग रही है या नहीं। आप अपने रिव्यूज़ मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में हर बार डी फैम बोलती हूँ और उसका मीनिंग बहुत लोगों को समझा नहीं है, तो डी फैम यानी कि मेरा नाम धनश्री है और धनश्री की फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं डी फैम बोलती हूँ। आप भी मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।